सबका एक बार फिर से स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, जब करियर की बात होती है तो एक सबसे ल्यूक्रेटिव करियर आज के दिन भी जो देखा जाता है वो है विदेशी शिक्षा। हर एक बच्चा कभी ना कभी सपना देखता है कि बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, विदेश में काम करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड की जब बात करते हैं तो वो विदाउट स्टडी अब्रॉड को कवर किए हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा धोखे भी आते हैं। बिना यूनिवर्सिटी देखे आप बाहर पहुंच गए, पता चला कि यूनिवर्सिटी का जो सेटअप आपको नेट पर दिख रहा था एक्चुअल में तो वहां है ही नहीं। एक्रेडिटेशन का मामला हो, पता चलता है उस यूनिवर्सिटी की तो रिकॉग्निशन ही नहीं है। यहां तक कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं वो ये तक पता नहीं कर पाते कि जिस देश में जाके वो पढ़ने जा रहे हैं वो लोग क्या आपके देश के सिस्टम को, आपके देश के जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, उसके जो रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो आपने तो अपना वक्त भी बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया, और जब आप देश में आते हैं तो फिर आपके हाथ में सिर्फ एक चीज लगती है और वो होती है नाउम्मीदी। ताकि विदेश के सपने वो आपकी जिंदगी में कोई खटास न लेके आए। बाहर जाना कोई गलत नहीं है। अगर आज के दिन में आप ग्लोबलाइजेशन को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो आपका सर्वांगीण विकास तो हो ही नहीं सकता। यू हैव टू एग्जिस्ट एज अ ग्लोबल बीइंग, एज अ ग्लोबल ह्यूमन। और इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जहां पे हम अपने सपने सजोने जा रहे हैं क्या वाकई वो देश आपके सपनों को साकार करने योग्य है कि नहीं है। देश की योग्यता, ये कैसी बात हो गई? जी हां, जब हम बात करते हैं देश के योग्य होने की, उसका मतलब यह है कि आपके देश के साथ हमारे देश का ताल्लुक कैसा है, यानी दोनों देश में, दोनों मुल्कों में आपसी एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, जो समझौते होते हैं वो किस प्रकार से है। अगर आप कहीं से मेडिकल कोर्स करके आ रहे हैं तो क्या वो यहां पे उसको रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं, क्या यहां पे आपको लाइसेंस हासिल करने में दिक्कत तो नहीं आएगी। जो बच्चे इंजीनियरिंग करके आते हैं उनको भी देखना पड़ेगा क्या वो कोर्सेस यहां पे रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। तो दोस्तों आइए, चलिए आज हम विदेशी शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जो आज स्टूडियो में मौजूद है वो है डॉक्टर आशीष महिंद्रा। बहुत ही चिर परिचित नाम, और मैं बता दूं इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, बहुत बड़ा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है इनका। और डॉक्टर आशीष महिंद्रा स्टडी अब्रॉड, अगर आप सिर्फ इस नाम से भी अगर आप सर्च करते हैं तो मेरे ख्याल से पहले कुछ चुनिंदे जो सर्चेस में जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें डॉक्टर आशीष महिंद्रा जी। डॉक्टर साहब, करियर काउच के इस प्लेटफॉर्म पर, प्राइम टीवी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब ये स्टडी अब्रॉड की बात हम लोग करते हैं, विदेशी शिक्षा की बात करते हैं, आज इतना लंबा दौर हम लोग देखते आ रहे हैं, आज से नहीं है, मुझे याद है मैं एक टाइम पर, मैं जब स्टूडेंट इमिग्रेशन के उसमें था तब वो दरमियान और था, मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 की, तब से लेके आज तक का जो बदलाव है वो एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव रहा। क्या आप थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये जो विदेशी शिक्षा तब और आज में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जी, बहुत अंतर आया समय के हिसाब से। देखिए, ब्रांच वाइज, कैरियर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज बहुत ज़्यादा ये वास्ट क्षेत्र है, और हर क्षेत्र के जो रूल रेगुलेशन है इंडियन गवर्नमेंट के वो अलग हैं। अगर हम लोग मेडिकल शिक्षा पे आते हैं तो मेडिकल शिक्षा में जो बहुत बड़ा बदलाव था कि जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी रही, हमेशा सीट्स की कमी, आपको पता है कि अभी नीट में आप अवेयर हैं कि 2023 का जो नीट होने जा रहा है 21 लाख बच्चों ने भरा है जी। और गवर्नमेंट सीट्स बढ़ा रही है, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट सीरियस है, बट जिस रेशियो से बच्चे हर साल 2.5 से 3 लाख ऐड हो रहे हैं उस रेशियो से सीट्स नहीं बढ़ सकती है, पहली बात। तो गवर्नमेंट ट्राई बेस्ट करी, बट ये गैप हमेशा रहा, जिसके वजह से आप देखें तो 92 से खासतौर से इंडियंस अब्रॉड जाते रहे पढ़ने, मेडिकल की पढ़ाई हासिल करने, शिक्षा। और मज़ेदार बात, उस शुरुआत में तो कोई उनको यहाँ पे आके एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ा,
बट बाद में सरकार की नजर इस बात पे पड़ी कि बहुत ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको सही में कुछ नहीं आता। तो एक्चुअली बाहर में, जैसे आपने अभी शुरुआत की, बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी में कुछ है ही नहीं, हो सकता दो कमरे का कॉलेज है और डिग्री लेके आप आ गए। तो सरकार ने कहा इस पे नकेल कैसे रखी जाए, तो यहाँ पे एक एग्जिट लाइसेंस टेस्ट उन्होंने रखा, फॉरेन मेट्रिक ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसका नाम रखा FMG। ये चलता चला आया अभी तक आपका 2022, मतलब टिल डेट मान के चलिए, जो कि अब रिप्लेस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, एक फिल्टर तो लगाना पड़ेगा, ये जो आ रहे हैं इसमें से वाकई कितने पढ़ के आए हैं, इनको तो कैसे एक एग्जाम से ही हम लोग कर सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम उसमें फिल्टर तो हो रहे हैं, बट वो फिल्ट्रेशन रेट 15-20% के ऊपर नहीं था। अब इससे समस्या ये कि जो 80% बच्चा था जो एब्रॉड जा रहा था, पढ़ के आ रहा था, वो यहाँ पे एग्जाम नहीं पास कर पा रहा है। अब वो ना उस देश का रह गया, ना वो इस देश में काम कर सकता है, तो वो झोला छाप डॉक्टर भी हम उसको नहीं बोल पाएंगे। तो वो मैं एक बात समझना चाहता हूँ, पहले तो एक बात ये आती है कि पहले भी विदेशी शिक्षा चल रही थी, जैसे कि आपने बताया 92 से लोग बाहर जा रहे हैं और वो जो तादाद जो थी जी वो बढ़ती ही गई जी। लेकिन उसके बावजूद जो ये जो समस्या है, आपने कहा कि पहले, अब जब FMG वो बच्चे यहाँ पे आके क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन वो बच्चे बाहर से तो पढ़ के ही आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई हो जी, तो फिर FMG क्यों नहीं क्लियर कर पाते हैं? देखिए बहुत मजे, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। देखिए अगर हम पिछले साल का डेटा से उठा रहे हैं, तो करीब 18 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, और जो क्वालिफाइंग मतलब मिनिमम मार्क्स होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो 50% जनरल कैटेगरी और 40% रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से होता है, वो उसमें करीब 9,97,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए। और जो नया 2017 के बाद जो NMC ने, नेशनल मेडिकल कमीशन, रूल बनाया कि आपको ये क्वालिफाई करके ही आप एलिजिबल हैं विदेश जाने के लिए, जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने भी संसद में भी 15-20 दिन पहले बोला है ये चीज। तो नीट क्वालिफाई मैंडेटरी, उन्होंने नीट क्वालिफाई इसलिए कि मिनिमम ब्रेन, एक मिनिमम पढ़ा लिखा बच्चा जाए जो पढ़ने लायक तो हो। आप सोचिए कि इस बहाने करीब 7 से 7.25 लाख बच्चे विदेश भी नहीं गए पिछले साल एब्रॉड पढ़ने MBBS, यानी ये 7-7.5 लाख बच्चे फिट ही नहीं थे MBBS की पढ़ाई के लिए। तो एक तरह से सोचिए गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया एक फिल्टर लगाया कि वो निचोड़ के वही बच्चे जाने जो एक्चुअली पढ़ने के लिए फिट हो। पहले कोई भी चला जाता था, जैसे इंडिया में जब तक नीट नहीं आया था, आप प्राइवेट कॉलेज में एक डोनेशन सिस्टम या एक कह ली डायरेक्ट एडमिशन सिस्टम होता था, तो जिसमें हर जिसका पैसा वो डॉक्टर बन जाता था, भले वो उसके लिए फिट है नहीं, भले उसका ब्रेन उसके लिए उस तरह से बना है नहीं बना मेडिकल की पढ़ाई, क्योंकि अपने आप में काफी टफ है। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव वॉज गुड कि उन्होंने एक फिल्टर लगाया, ये तो हो गया एक बात। अब जो चेंज दूसरा गवर्नमेंट करेगी, ये जो 80% 70% बच्चे वेस्ट हो रहे थे, आप देखिए ऑटोमेटिकली जो 2018 के बच्चे अभी 5 साल पढ़ाई कुछ देशों से पढ़ के आए हैं, ये ऑटोमेटिकली 40% के ऊपर रिजल्ट चला गया, ये नीट वाले बच्चे हैं। और इसमें से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका रिजल्ट 90% से 100% चला गया पासिंग, मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास हो गए। तो ये स्टेप बहुत अच्छा गवर्नमेंट करा, जो ये फिल्टर लगाएगा, नीट क्वालिफाई मैंडेटरी कर दिया सभी के लिए। डॉक्टर साहब एक बात फिर भी मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि ये कुल मिला के हमारे देश में जो सीट्स हैं वो शायद 1,70,000 1,80,000 टोटल मिला के देख लिया जाए, अगर हम आयुष को मिला लेते तो करीब इतनी है। इतना ही है जी, मतलब जी, सारे विक्स मिला के बता रहा हूं, आयुष भी मैं जी, कंसीडर जी, कर ये है जी, बच्चे बैठ रहे 21 लाख जी, 10 टाइम्स जी, सीटें हमारे पास है नहीं जी, डॉक्टरों की जरूरत आज भी समाज को है जी, क्योंकि अब हम लोग जिस जिंदगी जो जी रहे हैं इसको कहते हैं एज ऑफ एपिडेमिक्स, एक ना एक एपिडेमिक हमेशा हमारे आंखों दिखा के हम लोग खड़ी हुई है, मुंह फैलाए बैठी है कि कब हमें ग्रसित कर ले। इस दरमियान में कोरोना तो एक बात समाज समझा चुकी है कि डॉक्टर्स की कमी पूरी दुनिया झेल रही है जी, तब अगर मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा अगर कंपटीशन होगा, सीट्स ही नहीं होंगे, तो हम कैसे करके ये जो बड़ा जो एक गैप है उसको कैसे फुलफिल करेंगे जी? डेफिनेटली गवर्नमेंट इसीलिए फॉरेन एजुकेशन के लिए कभी हमेशा लीनियंट ही रही है, बट हाँ जैसा मैंने बताया कि पासिंग परसेंटेज इतना पुअर रहा और ये क्वालिटी नहीं मेंटेन हुई, तो उसके एश्योरेंस के लिए NMC रेगुलर कुछ ना कुछ हमेशा अमेंडमेंट लाती है, जो कि अभी लेटेस्ट बिल आया है, जो NMC का नया गैजेट आया है, जिसके हिसाब से उन्होंने उसमें भी काफ़ी मॉडिफिकेशन किए हैं कि ये नॉर्म्स जो भी कंट्री फुलफिल कर रही है आप उसी देश में जाइए। और सेम वर्ड बाय वर्ड अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने, डॉक्टर मनसुख मांडिया ने अभी संसद में भी यही बोला कि ये 4 पॉइंट जो भी देश विदेश में पढ़ रहे पूरा फुलफिल करा वहीं पे पढ़ने जाइए। और जिसमें एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि जो देश आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता हो, मतलब वो जो आपको मेडिकल पढ़ा रहा है वो खुद आपको परमिशन दे रहा कि भाई मेरे देश में प्रैक्टिस करो, तभी आप भारत आइए और यहाँ प्रैक्टिस करिए, वो कह रहे हैं भाई आप अपने दूसरे के अपने देश में तो वो आपको प्रैक्टिस करने की इजाज़त देते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पढ़ाई शायद उस स्तर की है नहीं, और कहते हैं हाँ यहाँ से डिग्री लो अपने देश में जाके करो प्रैक्टिस। तो उन्हें पता नहीं कहीं ना कहीं हमें मेडिकल प्रोफेशन डिटोरिएट हो रहा है, इसको अपलिफ्ट रखने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे कदम उठाए जो कि अच्छे हैं मेरे हिसाब से। राइट,
डॉक्टर साहब, अब जब आपने देश देश में जब आप एक डिफरेंसेस की जब हम बात कर ही रहे हैं, फर्क की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक समझाएं कि वो कौन से देश हैं, कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं जहां से स्टूडेंट्स को बचना चाहिए, और कौन से ऐसे देश हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ के लिए स्टूडेंट्स वाकई आगे मेडिकल का सपना देख सकते हैं, सिर्फ मेडिकल की बात नहीं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, इसमें क्राइटेरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, आपको कंट्री देखनी चाहिए, मतलब बहुत गरीब देश ना हो। दूसरा, हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा है। बहुत देश ऐसे जैसे चाइना है, पर डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारा उतना अच्छा नहीं है। अब बच्चे चाइना जा रहे हैं, ऊपर वाला ना करे, जैसे यूक्रेन क्राइसिस हुआ, ऐसा कोई अभी कोई क्राइसिस होगा, तो जब दो देश हैं जिनसे हमारा डिप्लोमेटिक चैनल बहुत अच्छा बना हुआ है, तो हम बच्चों को मदद तुरंत पहुंचा सकते हैं। चाइना ने पिछले 3 साल से वीज़ा ही नहीं दिया इंडियन बच्चों को, जो वहाँ पढ़ रहे थे, जो आए थे कोविड, वो वापस ही नहीं गए, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल हमारे देश के दोनों में इतना अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक उल्टा बच्चों के लिए प्रॉब्लम का सबब बना। इसलिए आप इसी तो पैरेलल अगर रशिया को रख ले, रशिया से हमारा हमेशा पुराना दोस्त है, एक अच्छा दोस्त रहा है। 1971 से आप देखें तो USSR भी था, हमेशा उसने हमारी मदद की, और आज भी हमारे बेस्ट दोस्तों में, इंडिया के सबसे अच्छे दोस्तों में रशिया है। तो कहने का डिप्लोमेटिक चैनल हमारा उनसे बहुत स्मूथ है। उज्बेकिस्तान से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा, मतलब ऐसे बहुत देश हैं जिनसे। तो एक तो क्राइटेरिया जो NMC का जो लाइसेंस प्रैक्टिस देश दे रहे हैं वो हमें देखना है। दूसरी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर देखना, कि ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी का कंट्री अच्छी बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। और तीसरा, हमारे जो कहीं ना कहीं NMC बीच में गाइडलाइन देती है और एडवाइजरी भी दे रही है, आप उस एडवाइजरी पे भी नज़र रखिए। जैसे अभी उन्होंने लेटेस्ट फिलीपींस के लिए मना किया, इवन आप देखिए तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस मलेशिया नहीं देता। तो मलेशिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, खुद ही मना कर दिया इंडियन बच्चों को लेने के लिए, भाई हम लाइसेंस आपको नहीं दे सकते, आपको नहीं आना है, मत आइए। इस तरह से बांग्लादेश है, वो भी अभी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं देते हैं। तो ऐसे कई देश है, फिलीपींस है आपका, बट जो देते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे हिसाब से अभी जो रिटर्न में इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को या इंडियन एम्बेसी इन बेलारूस, ऐसे कुछ कंट्रीज ने खुद लिख दिया, इंडियन एम्बेसी इन उज्बेकिस्तान, उनके आप वेबसाइट में जो उन्होंने खुद मेंशन किया कि एज पर न्यू NMC गाइडलाइन हम आपको ये हम ये फॉलो करते हैं। तो हमें वही कंट्री सेलेक्ट करनी जो हमारे देश, हमारी गवर्नमेंट, हमारी संस्था बोल रही है कि हाँ यहाँ पे हम सेफ हैं। तो जब आप ऐसे करके बता रहे हैं कि कुछ देश जहाँ पे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, उन देशों पर अगर हम फोकस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात आती है कि क्या जिस कॉलेज को आपने सेलेक्ट किया है, देश तो ठीक है, उसके साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे हैं, लेकिन उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या उस कॉलेज, वो कॉलेज आपको खुद से आपको LTP आपको दे नहीं पा रहा है। डॉक्टर साहब, बच्चे जब चूज करते हैं, आज के दिन में हर एक बच्चा कंप्यूटर सैवी है, तो क्या वो ये बात चूज नहीं, वो देखता नहीं होगा, क्या वो बिना देखे समझे वो लोग बाहर चले जाते हैं, या कि कोई कुछ ऐसे मार्केट में एजेंट्स हैं भरे हुए जो कि उनको गुमराह कर रहे हैं, ये बच्चे गुमराह हो कैसे रहे, और ये बच्चे वापस आते हैं FMG नहीं क्लियर कर पा रहे, अब वो क्या करेंगे। ये वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, जो गुमराह हो रहे हैं, आप वही कहने, इस समय तो नेट से भी बच्चे आज के जिन्हों इंटरनेट में इतने एक्टिव हैं, पर उसके बाद भी उनके साथ धोखा होता है, क्योंकि देखिए कई फैक्टर हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो मैंने बहुत कॉमनली देखा कि एक तो फ्रेंड फैक्टर है, हमारा दोस्त वहाँ पढ़ रहा था, उसने हमारे पेरेंट्स को बोला कि इसको भी यहाँ भेज दें, यहाँ सब अच्छा है। एक्चुअली होता क्या कि एक चेन में वो जाके कहीं फंस गया साइकिल में, अब वो अपना, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी जरूर इन्वॉल्व होता है कि वहाँ की लोकल कंपनी या लोकल एजेंट उसने बोला कि तुम और बच्चे दो तो तुम्हें पर स्टूडेंट हम कुछ ऐसा फ़ायदा पहुँचाएंगे, या जो भी रहे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करता है ऐसी यूनिवर्सिटी जाने के। तो बच्चे उसमें फंसते कि भाई ये तो हमारे मोहल्ले में जानने वाले थे, ये हमारे भैया थे स्कूल में, ये हमारे दोस्त हैं हमारे, तो इसमें बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। यूट्यूब देखिए, कोई बहुत जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर जो सब कुछ पढ़ा वो सब कुछ सच है। आप भी एक मोबाइल लेके चैनल खोल लीजिए और रिकॉर्ड करके कुछ भी डालिए, सच झूठ का तो पता नहीं चलता ना। तो सब कुछ सोशल मीडिया पे सही भी नहीं है, तो अब रास्ता क्या है डॉक्टर साहब, वो बताइए। अब कैसे एक बच्चा, जैसे अब जो बच्चे नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 90% बच्चे जानते हैं कि सीट्स कितने हैं, उनकी चांसेस कितने, जी, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद की किरण सबकी आंखों में होती जी, और इसलिए साल ब साल वो लोग कोशिश करते चले जाते जी। जो बच्चा 5 से 6 साल भारत में नीट की तैयारी पर बर्बाद कर रहा है, बर्बाद नहीं कहूंगा लेकिन कोशिश है, देखिए एक हद तक तो कोशिश ठीक है जी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हाथ में जब मायूसी लगती है तो उसके लिए तो फिर मेरे ख्याल से अगर विदेश में कोई अगर उसको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जी, तो ऐसे मौके को उसको फायदा उठाना चाहिए। तो आप इन बच्चों को क्या कहेंगे, कैसे सर्च करें, किस प्रकार से जाए, कौन से पैरामीटर्स के थ्रू से कॉलेजेस सर्च करें, क्या चीजें उनको देखनी चाहिए,
कैसे ये बात कंफर्म होगा कि भाई वहां पे जब हम एजुकेशन हासिल करके इंडिया में आएंगे तो यहाँ लाइसेंस के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी? जी इन सारी बातों को कैसे सजा के रखेंगे आप? जी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको गो थ्रू करना होगा। स्टार्टिंग आपकी खोज शुरू होती है कि हम किस देश जाएं, पहले देश सेलेक्ट करिए, फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, फिर यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री देखें कि इंडियन बच्चे यहाँ कितने गए हैं, पास हिस्ट्री क्या रही, FMG पासिंग क्या रहा है, क्योंकि नेट पर सारा डेटा अवेलेबल है कि इस भाई एक यूनिवर्सिटी है मान के चलिए वहाँ से 10 ही % बच्चे पास होने हर साल, एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे ऑलमोस्ट 90-80% जा रहे, तो ये भी क्राइटेरिया अच्छा हो सकता है। प्लस उस कंट्री से हमने जैसे बोला कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं वो भी देखना ज़रूरी है, फिर जो नए NMC के गाइडलाइन वो फॉलो कर भी रही है कि नहीं कर रही, भले वो यूनिवर्सिटी कितनी भी अच्छी है, जैसे मलेशिया में यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं वर्ल्ड की मेडिकल, बट NMC गाइडलाइन ही नहीं फॉलो करती तो आप वहाँ पढ़ भी लेंगे तो दैट विल बी ऑफ नो यूज फॉर इंडिया, तो वो आपके लिए वेस्ट है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो चैनल आप पकड़ने जिसके थ्रू आप जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आजकल एक चीज़ गूगल ने अभी तक जो अभी मेरे जानकारी पेड नहीं है, जो चीज़ मैनुपलेट नहीं करा सकती, वो है गूगल रिव्यूज़। आप किसी भी कंसल्टेंसी कंपनी के गूगल रिव्यूज़ जरूर देखिए, क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे ने या डाल दिया, चाहे वो सही या गलत, वो चेंज नहीं किया जा सकता, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, आज तक गूगल ने ऐसा कोई प्रावधान बनाया ही नहीं है। तो कहने मतलब है कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और एक दो चीज़ मैं अपने बच्चों को सबको समझाता हूँ कि कोई भी सेलेक्ट करो उसमें ये ध्यान रखो वहाँ थर्ड पार्टी पेमेंट ना हो, थर्ड पार्टी मतलब थ्रू योर कंसल्टेंसी ऑफ ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस ना दे, तो सबसे डायरेक्ट पेमेंट हो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जब भी आपका एडमिशन लेता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एनुअल होता है, हर एक साल रिन्यू होता है जिसपे आपका वीजा एक्सटेंड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंसल्टेंट से साइन हो रहा है, कंसल्टेंट साइन कर यूनिवर्सिटी से तो कभी आप डायरेक्ट पार्टी यूनिवर्सिटी के बनते नहीं। तो हमें वही यूनिवर्सिटी चुननी जहाँ फर्स्ट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट पार्टी पेमेंट है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है। आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा इसको अगर कानून लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो आप कैसे डिफर करेंगे यूरोप में जो जो शिक्षा प्रणाली है और जो US में है, क्योंकि ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग एरियाज रहे हैं जहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा तादाद में वहाँ पे जाते रहे हैं। जी देखिए, यूरोप और अगर US को हम लोग कंपेयर करते हैं तो यूरोप में वैसे आप समझिए कि ज़्यादातर कोर्सेज फ्री हैं, जैसे आपका जर्मनी है, फ्रांस है। यूरोप के साथ एक ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे हमारी जो 26 देश हैं जो EU में आते हैं, यूरोपियन यूनियन में, इनकी क्या हर देश की भाषा अलग है, जैसे ग्रीस की अलग ग्रीक है, उसकी फ्रांस की फ्रेंच है, जर्मनी की जर्मन है, पुर्तगाल की पुर्तगीज है। तो कहने का मतलब है कि सबकी अपनी लैंग्वेज बैरियर बहुत है। तो और इन देशों में प्रॉब्लम क्या कि इनकी पॉपुलेशन क्राइसिस, इनके बाद आबादी नहीं बढ़ रही, इन्हें लोग चाहिए, ये बुला रहे हैं आप आइए हमारे रहिए, हम आपको सब देंगे, आपके लिए एजुकेशन फ्री, घर फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री, शर्त ये कि आप हमारी एग्जाम लैंग्वेज पास करिए, बस हमारी भाषा सीखिए, वो जरूरी भी, आप उस देश में रहें आप उसकी भाषा नहीं जानते, क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश से आपका काम नहीं चलना है, आपको उनका लोकल जर्मनी है, मान लीजिए जर्मन में आपको उनको लेवल A1 A2 B1 B2 लेवल्स क्लियर करने होंगे, देन एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू। US में क्या कि वही इंग्लिश चलती जो हमने सीखा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या है? मैंने सुना है कि इन देशों में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी है, एकोमोडेशन महंगी, बट अगर वही आपको सब्सिडाइज हो जाएगी या गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर स्कॉलरशिप बेस में दे दे रही है तो आपके लिए वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। इन देशों में रहना पढ़ना बहुत आसान है, बशर्ते एक ही शर्त है कि उस देश की आपको भाषा सीखिए और उसका एग्जाम निकालिए। कंपेयर करते हैं US से तो US में लैंग्वेज बैरियर है नहीं, सेम इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं, बट उनके जो IELTS TOEFL जो इनके एग्जाम्स हैं वो आपको निकालने पड़ते हैं, मतलब उसके लिए आपकी जो इंग्लिश एक होता है अच्छा होना, एक होता है बहुत अच्छा होना, उसकी आजकल बहुत कोचिंग्स खुल गई जिसके लिए आप IELTS की या TOEFL की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसमें मिनिमम हमने देखा 6-6.5 बैंड के ऊपर अगर आप ला रहे हैं तो आपको बहुत आराम से स्कॉलरशिप बेस्ड अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। राइट डॉक्टर साहब, तो ये बातें तो हुई कि रिकॉग्निशंस जो एडमिशन जो प्रोसेस है वहाँ तक की, अब आते हैं जो लाइफस्टाइल है उस कॉलेज में जो व्यवस्था है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और स्पेशली जब गर्ल स्टूडेंट की हम बात करते हैं, तो इसको लेके हम लोग कैसे करके यहाँ से पहले से हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई जो कॉलेज हमने चूज़ किया है वहाँ वो हमारी बिटिया के लिए बहुत सही होगा कि नहीं, तो कैसे उसकी उसकी एक्चुअल रिसर्च वर्क कैसे हो सकती है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, खासतौर से पेरेंट्स ऑफ फीमेल, अगर उनकी लड़की डॉटर है तो ये सभी पेरेंट्स का कंसर्न होता है, हर फादर का, हर भाई का, कि मेरी जो सिस्टर या मेरी लड़की वहाँ कैसे सेफ है। तो मैं आपको क्लियर करूँ कि मतलब ये मैं मतलब हमारा देश सबसे अच्छा है, हम लोग तो कभी उसके मतलब बुराई नहीं करते, बट सेफ्टी वाइज देखिए तो हमारे देश के बाहर ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब देश सेफ हैं, और अगर हम लोग खासतौर से यूरोप
को देखते हैं या यूएस को देखते हैं तो इवन रशिया को देखते हैं तो ये जो कंट्रीज हैं ये फीमेल डोमिनेटेड ही हैं। ये यहाँ पे आप देखिए वर्क फोर्स आपको ज़्यादातर दुकानों में, इवन गाड़ी चलाते, टैक्सी ड्राइवर, ज़्यादातर हर जगह पे आपको लड़कियाँ मिलेंगी। तो लड़कियों से ही ये देश चल रहे हैं, इनके द्वारा गवर्न है। दूसरा चीज़ है कि उनका जो वे ऑफ थिंकिंग वो हम लोग से काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, काफ़ी ओपन है। तो फीमेल सेफ्टी कभी इशू रहा नहीं, हम लोग इतने बच्चे जाते हैं, अगर रात में मान ली कोई लड़की 12-1 बजे कहीं फंक्शन से लौट भी रही है तो वहाँ पे कभी कोई आप ईव टीजिंग या किसी भी तरह का ये चीज सुनने में आता ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चले है ही नहीं। बल्कि लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ जरूर है कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके चलते एक शिकायत बहुत आती है कि बच्चा बाहर गया वहाँ बूज करना शुरू कर दिया या ड्रग अब्यूज में फंस गया, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा बच्चों में दिखाई दिया। ये मैं आपको बता, देखिए एक चीज़ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होता क्या ना कि दो डिफरेंस है, जब बच्चा 18 साल का होता है उसके बाद ही अब्रॉड जाता था, जाता अगर वो अंडरग्रेड में जा रहा है। डिफरेंस है देखिए, एक तो हमारे यहाँ जैसे गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल अलग होता, हम लोग के तो ऐसा होता है जब हम लोग स्टूडेंट तो गर्ल्स हॉस्टल बहुत दूर होता था, बॉयज हॉस्टल वहाँ पे गार्ड बैठता था जो आप उधर अंदर जा भी उस एरिया में नहीं भटक सकते, और खासतौर से फिर इसी तरह सेम टू द बॉयज़ का था, तो वो बैरियर हमारे यहाँ रहता जो कि अच्छा भी है, ठीक भी होना भी चाहिए। बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज जहाँ भी बच्चे वहाँ जाते हैं वहाँ गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल जैसा कुछ होता है, एक ही बिल्डिंग है उसमें कमरे हैं, हाँ उसमें लड़के लड़कियाँ अपने अपने ब्लॉक्स में या कमरे में जरूर रहते हैं बट एज सच हॉस्टल जैसा कुछ होता नहीं है। तो देखिए क्योंकि वहाँ के देशों का मानना या लोगों का मानना कि अगर आप 18 साल के जो कि हमारा भी कानून कहता है बालिक हो गए तो मतलब यू आर ओपन टू टेक योर डिसीजन, मतलब यू आर नॉट बाउंड बाय एनी लॉ। पेरेंट्स की तो कंसर्न वही रहती है। और देखिए सर मैं आपको अगर इंडिया में, मैं खुद यहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाता हूँ और हम एक कॉलेज में रहें और हम बच्चों को तो रोज ही देखते हैं, तो देखिए छोटे छोटा शहर मान ली कोई फैजाबाद का बच्चा लखनऊ आता है, लखनऊ का बच्चा दिल्ली आता है, दिल्ली का बच्चा बैंगलोर जाता है या बैंगलोर का बच्चा एब्रॉड जाता है। आप जब बच्चा बाहर रह रहा है पढ़ने के लिए एजुकेशन लेने के, हमें घर छोड़ना पड़ता है, बाहर बच्चा अकेले ही रहता है और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप ज्यादा बिगड़ने वाले यहाँ भी बिगड़ रहे हैं, यहाँ भी बिगड़ेगा, हाँ यहाँ भी ड्रग्स में पड़ रहे हैं, यहाँ भी नशे कर रहे हैं, यहाँ भी ड्रिंक्स कर रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे फिर रहे। तो वो चीज़ तो देखिए इंडिविजुअल पे कि आपके संस्कार, आपका ग्रूमिंग कैसी, आपके पेरेंट्स का कैसा और आपका खुद का विजन लाइफ को लेकर क्या, कि आप अपना कैरियर पे फोकस है या अपने एंटरटेनमेंट पे फोकस है। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं ये व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूं हालांकि शायद ये सवाल पूरी तरीके से ठीक ना हो, कि जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस को चूज करते हैं राइट, जो कॉस्ट और जो आप कह सकते हैं हॉस्टल फीस और बाकी के जो सारी जो कॉस्ट को लेके इतना महंगा जो है, स्पेशली जब हम मेडिकल शिक्षा की बात करते हैं वो इतना महंगा हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ठीक है नीट में अगर रिजल्ट ठीक है गवर्नमेंट नहीं मिल पाया उसको प्राइवेट मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं प्राइवेट से ज़्यादा सस्ता तो शायद इंटरनेशनल उसमें से उनको मिल जाएगा। तो ये एक शायद प्राइवेट कॉलेजेस को धक्का ना पहुँचे इसलिए हम लोग इंटरनेशनल को प्रमोट करने से थोड़ा कतरा रहे हैं, उस तरीके से हम लोग नहीं खुल पा रहे हैं, और ये जो इश्यूज जो आ रही हैं एफएमजी वाली, जो एफएमजी क्लियर नहीं कर पा रहे बच्चे, उस पर कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस का कुछ दबाव और ऐसा कुछ रहा हो? देखिए ये आरोप तो मतलब खासतौर से ये बच्चे तो लगाते ही हैं जो पढ़ के आते हैं और ये बच्चों का रहा है। देखिए इसमें सच झूठ क्या है ये तो मतलब ये अलग विषय होगा डिस्कशन का, बट ये आरोप रहा है कि भाई प्राइवेट की यहाँ पे जहाँ पे फीस सबसे सस्ती 80 लाख से लेकर रहना खाना मिला के 1 करोड़ क्रॉस कर जा रही है, वहीं पे रशिया जैसे देशों में सबसे अच्छे कॉलेज के भी हॉस्टल सालाना 15-20 हज़ार सालाना, जो हमारे यहाँ महीना भी नहीं होता है, और फीस भी उनकी 2-3 लाख सालाना है, जो कि मतलब यहाँ पे हमारे छोटे मोटे कोर्सेज की फीस है, स्कूल आजकल स्कूल्स की फीस इतनी है। तो उस हिसाब से नो डाउट उनकी एजुकेशन सस्ती है, अच्छी है, अगर आप अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जाते हैं। अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने लगेगी, लोगों को पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्राइवेट भी एक भाई सभी लोग बिजनेस करें तो वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। हाँ कुछ पेरेंट्स हैं जो सब कुछ होते हुए उन्हें लगता है कि नहीं बच्चा मेरे नज़रों के सामने रहे, मेरे देश में रहे, क्योंकि फॉरेन में अपने चैलेंजेस अलग हो जाते हैं जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, फूडिंग, एवरीथिंग। बट एक बच्चा जो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा जिसके घर में 1 करोड़ नहीं भी है और गवर्नमेंट निकाल नहीं पा रहा, तो ये ओनली ऑप्शन लेफ्ट कि अगर उसे अपना सपना पूरा करना तो उसको ही हैव टू गो टू द अब्रॉड, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। ये एक बात है कि ही हैज़ टू गो अब्रॉड, और जहाँ तक बात आती है पैसों का जो मैंने आपको बताया, एक चीज़ और भी है, एक और बातें एक भ्रांति भी हो सकती है कि लोगों का ये कहना कि भारत में इसलिए लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिजीज़ का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है,
तो जो बच्चे जो कोर्स करते हुए जो प्रैक्टिस करते हैं उनको वो चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने को मिलती है, तो उनका नेचुरली उनका जो नॉलेज होता है वो जो विदेश से पढ़ के आया हुआ बच्चा होता है उससे ज़्यादा होता है, कुछ ऐसा कुछ है। देखिए ये बात तो, देखिए कुछ चीज़ें हैं हम मान सकते हैं, जैसे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पेशेंट फ्लो ज़्यादा रहता है, किसी भी सबसे हमारा बेकार भी सरकारी हॉस्पिटल या कॉलेज होगा तो वहाँ भी फ्लो रहेगा, तो पेशेंट फ्लो ज़्यादा है पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री है। वो एक आप कह सकते हैं खान पान में थोड़ा बहुत फ़र्क है, टेम्परेचर नो डाउट फ़र्क है, भाषा का फ़र्क है, ये फ़र्क है, बट वो फ़र्क उतने बड़े नहीं होते, क्योंकि देखिए जो आप बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो मतलब जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही सेम सब्जेक्ट फॉरेन में पढ़ाए जा रहे हैं, जो आप यहाँ पे क्लिनिकल्स देख रहे हैं वही वहाँ पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ प्रैक्टिस की बात हो रही हाँ थी हाँ सर। हम लोग प्रैक्टिस पे ही आ रहे हैं, बट जो बैरियर है इसको सरकार भी समझती है कि भाई वहाँ की डिजीज़ कुछ ऐसी है जो वहीं पे है वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से वहाँ नहीं है, या बहुत चीज़ खान पान की वजह से नहीं है, उस बैरियर को इक्वलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रावधान इसलिए रखा कि जब फॉरेन में आप कहीं से भी पढ़ के आइए एग्जाम पास करने के साथ आपको कम से कम 1 साल यहाँ पे 1 साल इंटर्नशिप मैंडेटरी रखिए। वो 1 साल इसीलिए इंटर्नशिप होता है कि हर डिपार्टमेंट वाइज आपका जो हर महीने रोटेशन होगा आप उन यहाँ के मरीजों के यहाँ के सिस्टम से यहाँ की बीमारियों से आप यूज टू हो जाए। लेकिन इंटर्नशिप तो मैंडेटरी रख दी, लेकिन इंटर्नशिप पे आजकल ये अभी हाल ही में अभी अखबारों में निकला था कि बच्चों की बहुत लंबी वेटिंग लगी हुई है और उनको इंटर्नशिप नहीं मिल पाता है, स्पेशली जो विदेश से जो बच्चे आ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ, वो भी कुछ स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में प्रॉब्लम नहीं आई है, हमारे स्टेट में आई, यूपी में आई है कि वेटिंग ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, और अभी गवर्नमेंट उस हिसाब से एक्चुअली इन्होंने पहले 17% कोटा सिस्टम रखा था कि 17% के हिसाब से ही हर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को खुद ही डालेंगे, अब उसमें इनको 16 सीट्स के चैलेंजेस आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसको तो गवर्नमेंट को वर्कआउट करना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चे पास आउट हैं वो वेट कर रहे हैं अपनी इंटर्नशिप कब शुरू होगी, तो हमें लगता है क्योंकि एक भी नई व्यवस्था है शुरू हुई है इस पर गवर्नमेंट काम करेगी जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो ये रास्ता तो निकल जाएगा, क्योंकि हमें लगता है इसके पैरेलल प्राइवेट कॉलेज भी हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट्स भी, उसमें भी गवर्नमेंट अगर इंटर्नशिप अलाउ करेगी हो सकता है कुछ रास्ते निकाले तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतना डिमांड, आपने कोविड में देखा डॉक्टर्स जी की क्राइसिस मेजर हो गई इंडिया में, तो अब सबको समझ आया कि डॉक्टर्स और चाहिए हमें, और डेफिनेटली एक्सपर्ट WHO हर 3 लाख पे एक ही डॉक्टर अभी भी इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा वैक्यूम गैप है। है जी जी जिसको जी भरना जी जरूरी है, तो डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई कि जैसे एक वैक्यूम है ये भी हम लोग समझ रहे हैं, जो बच्चे जो बाहर से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने देश के बराबर उनको लाना पड़ेगा। ओरिएंटेशन एक चैलेंज है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर का जो खान पान है, वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ की जो जो वेदर कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग है, और उसके चलते जो बीमारियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं जो बीमारियां वहां हैं उसमें भी कुछ फर्क हो जाता है। बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो शायद शुरू शुरुआत में उनको वो दिक्कतें ना आए, तो इसलिए उनको लिए वो इंटर्नशिप की प्रावधान तो है, हालांकि फिलहाल सरकार अभी जूझ रही है कि सब बच्चों को कैसे इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जा सके। डॉक्टर साहब एक और समस्या देखने को मिली थी, हम ये कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि यूक्रेन में एक बहुत बड़ा हमारा स्टूडेंट तबका था, जब ये यूक्रेन का मसला जैसे ही सामने आया और वो बच्चे जब वापस आए तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी उनको एडजस्ट करने की, जी क्योंकि जो बच्चे थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में जी जो आधा कोर्स करके चले आ रहे थे उनके माता पिता परेशान हो रहे थे, जो कि कुछ सरकारों ने मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में भी कुछ सरकारों ने ऐसा हुआ कि वहाँ पे बच्चों को उन्होंने एडजस्ट किया, जी अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या जी वो अपने कोर्स को कंप्लीट करने से महरूम रह गए, जी जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये भी तो एक डर कहीं ना कहीं बाहर पढ़ जो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं उनके लिए बना ही रहता है, जी पता नहीं कब हालात खराब हो जाए। आज रशा में ठीक है, रशा मजबूत है, नहीं कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन ये हम नहीं भूल सकते कि अभी भी यूक्रेन वॉर चालू है और यूक्रेन ने भी घुटने टेके नहीं है, जी तो इसके चलते किस समय मामला बदल जाए, किस दिन नेटो की जो 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 रोल वो प्ले कर रही है उसमें किसी दिन उन्होंने ज़्यादा अग्रेशन ले लिया, तब तो रशिया पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जी तो ये आपने बोले बहुत कॉमनली पेरेंट्स आकर वॉर को लेकर पूछा, देखिए इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली है कि वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई इतनी बड़ी वॉर इतने वर्ल्ड लेवल पे हुई नहीं, जब ये मैं कहते हैं 60-70 साल बाद ऐसा हो रहा है, वॉर इतनी कॉमन नहीं है, और शायद रशिया एक ऐसा देश है जो 36 देशों से अकेले लड़ रहा है, आप देखिए भले डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली तो मान ही सकते हैं इसको, बट आप देखिए 1 साल के बाद भी रशिया की इकोनॉमी सस्टेन्ड है, आज भी वो जी रहे हैं सारे इतने सैंक्शंस इतना सब कुछ होने के बाद, तो रशिया एक बहुत मजबूत देश है,
ज्यादा रशिया पे हमला या रशिया पे अटैक होता है, नाटो करता है, तो देखिए डेफिनेटली रशिया भी एक बहुत बड़ी पावर है, ये हम लोग समझते हैं। और ये शायद अगर आप समझते हैं तो ये वर्ल्ड का एंड शुरू हो जाएगा, ऐसा ऊपर वाला ना करे हो, बट अगर रशिया पे अटैक होना शुरू होगा तो ये रशिया अगर खत्म होगा तो वो कई देशों को खत्म करके ही खत्म होगा। तो ये हमें नहीं लगता कोई, सब इसको जानते हैं, वो बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है बहुत, और उनके पास जो कुछ ऐसे, मैं स्टूडेंट्स को हाँ लेके कह रहा था कि तो जो कुछ भी हाँ हो लेकिन फिलहाल अगर उनकी हाँ स्टडीज तो हैम्पर कर और जाएंगे। मैं बताता हूँ, और रशिया देखिए अगर आप देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा, अगर वॉर होती है ना तो किसी एक सेक्शन में हो रही है तो 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई में वाला देश है। तो अगर हमारा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 3,000 किलोमीटर है, तो जम्मू कश्मीर लड़ाई हो रही है तो तमिलनाडु में नहीं पता लगता ना कि वहाँ कोई अटैक हुआ है। तो इस तरह से अच्छा रशिया में भी अगर एक ठीक। पार्ट मान ली कोई बॉर्डर शेयर करे वहाँ वॉर है तो पूरा रशिया डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अच्छा एक चीज और है, जो बच्चे रशिया में पढ़ रहे हैं उनको भी तो लैंग्वेज बैरियर तो झेलना ही पड़ता होगा, क्योंकि वहाँ तो ज्यादातर रशियन बोला जाता है। जी अब बच्चों के लिए एक समस्या होती है कि सीखे तो कितनी भाषाएं सीख ले, जी है ना, तो कैसे करके आप इसके लिए कैसे एड्रेस देखिए करते हैं? 2004 से पहले तो इंग्लिश मीडियम थे ही नहीं रशिया में, जितने भी लोग आपके जानकारी में मेडिकल डॉक्टर बन के आए रशिया से, वो पहले 1 साल फाउंडेशन कोर्स करते थे लैंग्वेज का, उस एग्जाम को पास करते थे और रशियन लैंग्वेज में 5 साल पढ़ते थे, तो भी बच्चे जाते थे। और 18 साल का जो बच्चा होता है ना, वो एक मतलब वो एब्जॉर्व करता है, और जब आप उस माहौल में रहते हैं, रोज मिलना, टैक्सी वाला आपका, दुकान वाला, सभी लोग जब वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, पेशेंट आपका वही बोल रहा है, और आपके क्लास हफ्ते में 3 क्लास 2 क्लास होती है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट 6 साल आपके साथ रहता है तो बच्चे सीख जाते हैं। हमने तो देखा साल भर लगता है मैक्सिमम, हमारे बच्चे ठीक ठाक रशियन बोलने लगते हैं, बोलने लग जाते हैं, तीसरे साल तक वो ठीक आधे रशियन हो ही जाते हैं, तो वो उनके लिए एडवांटेज एक लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज सीखने का आपको मैं सबसे बड़ा फायदा बताऊँ कि जो पूरा CIS बोलते हैं, 16 देश जो USSR से टूटे थे, आज भी उन देशों में अगर आपके पास रशियन लैंग्वेज आपको आती है तो ये 16 देश के आप राजा हैं, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब जितने देशों में हैं, अगर मैं फर्स्ट चॉइस कहूँ बच्चों की, वो क्या होनी चाहिए, मतलब US, यूरोप, रशिया, किस साइड से आप कैसे करके? देखिए अगर मेडिकल की करें तो US की एंट्री तो बहुत टफ और बहुत महंगी है, तो US में आप या तो वाया GMAT जाएंगे तो जो कि 8 साल का सिस्टम है और उसमें करोड़ों रुपए आपको चाहिए। दूसरा है कि आप किसी वाया करेबियन अगर जाते हैं तो भी आपको मान लीजिए 5 से 6 साल जरूर लगेंगे, बट देन अगेन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का है, उतना बजट हमारे बच्चे के पास है नहीं। तो US वगैरह की एंट्री टफ है, यूरोप में अगर आप EU कंट्रीज में जाते हैं, यूरोपियन यूनियन में, तो उनका भी चैलेंज है कि लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है, $200-$300 पर मंथ तो सिर्फ लिविंग कॉस्ट है, तो वहाँ भी बजट हमारा 70-80 लाख क्रॉस कर जाता था सेम बजट में, तो आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चा जो एब्रॉड जा रहा है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जा रहा है, जिसका पैसे नहीं है, जो 20-25 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च सकता, तो उस बजट में तो भाई रशिया ही बेस्ट है। अदरवाइज बेस्ट की डेफिनेशन डिपेंड ऑन मनी है, कि भाई मर्सिडीज मान ली बेस्ट कार है, बट ये कि हमारा बजट ही नहीं तो हम लेंगे कैसे, तो हमें अपने बजट में बेस्ट कार चाहिए। अच्छा वॉट अबाउट अगर मैं हम थोड़ा साउथ की तरफ बढ़ते हैं, जी तो व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड, वहाँ पे एजुकेशन कैसा है इन जगहों पे बच्चों को? जिसको हमारा देश ही मानता दे रहा है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन 5 देशों से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इंडिया में कोई एग्जाम नहीं देना होता, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बट इनफैक्ट PG पूरे वर्ल्ड में से इन 5 ही देशों की रिकॉग्नाइज है, जहाँ से अगर आप MD कर लें, MS कर लें, PG कर लें, तो आपको इंडिया के डायरेक्ट प्रैक्टिस का आपको लाइसेंस मिल जाता है। बट इन देशों में जाना, एग्जाम निकालना, इनकी फीस अफोर्ड करना, वो बहुत कठिन हाँ, हो जाता सही है। तो बात है। हमारे ऑलमोस्ट अभी इटली में IIMAT करके एग्जाम होता है, 45 सीट होती है ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड के 45 सीट सिर्फ मात्र है, बट फुल स्कॉलरशिप 100 फ्री सीट है, आप फ्री में जाइए, फ्री में पढ़िए, फ्री में इटली से डॉक्टर बन के आइए इंग्लिश में, बट ये प्रॉब्लम है कि वो 45 सीट है मात्र, तो बहुत टफ लड़ाई हो जाती है। टफ लड़ाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल अंत में एक छोटा सा सवाल कि जो बच्चे आज अभी नीट की एग्ज़ाम सामने हैं, तो मैं उन्हीं को अभी एड्रेस करने को कहूँगा, या मेरे ख्याल से ऑन दी होल जो बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? देखिए आप अगर विदेश में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं, अच्छा है, बट उसमें आपको सबसे पहले अपना रिसर्च प्रॉपर करिए, किसी के कहने में मत आइए, दोस्त या फ्रेंड्स, कोई किसी का आजकल सगा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, आप अपना रिसर्च खुद करिए, यूनिवर्सिटीज़ का देखिए बैकग्राउंड कैसा है,
बच्चों का पासिंग कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सबकी नेट पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और आपको जो भेजने वाली कंसल्टेंसी एजेंसी वो कितनी ऑथेंटिक है, उनका बैकग्राउंड क्या, उनसे कितने बच्चे के, अगर उनसे आप लोकल किसी पेरेंट से कनेक्ट हो सकते तो होइए, उनसे मिलिए, एक ओपिनियन बनाइए, तभी फैसला लीजिए, तभी आप सही हाथों में जाएंगे और सेफली जाएंगे बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इंटरनेशनल एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन के बारे में इतनी सारी बातें बताई। दोस्तों ये बहुत जरूरी है एक बात समझना कि सपने देखिए, विदेश जाके पढ़ने का सपना बहुतों का होता है और ये आप आसानी से पूरा भी कर सकते हैं, बशर्ते आप एक अच्छे प्लानिंग हो आपकी, आपने जो तैयारियां की हो वो पर्याप्त हो आपके लिए, आपके जो इंग्लिश स्टैंडर्ड्स की जो जो प्रिपरेशंस हैं वो प्रॉपर हो, आइल्स, टीफल, टॉफल, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत लग रहा है उसकी आपने एक्रेडिटेशन प्रॉपरली ले रखी हो, वो आपने पूरा कर रखा हो। और एक बहुत जरूरी बात, सुनी सुनाई बातों पर न जाएं, अपने रिसर्च को बहुत मजबूत रखें, टेक सेवी हैं, अगर नहीं है तो बनिए, किसी से मदद लीजिए, लेकिन जहां जा रहे हैं उस जगह के विषय में हर एक चीज, हर एक पहलू पर ध्यान देकर तभी जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको एक बहुत अच्छा देश दे देगा या एक बहुत अच्छा देश इस बात की गारंटी देगा कि वहां का इंस्टीट्यूट भी अच्छा हो। ये सारी चीज़ों का मिश्रण है कि उसको एक पैकेज की तरीके से सोचे और कंपेयर करके देखें अपने देश के एजुकेशन के साथ। मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यहाँ पे जो हमारी जो खुद की जो धरोहर है, खुद के जो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके लिए पर्याप्त हैं, बशर्ते आप उन नंबर ऑफ सीट्स पे अपना कब्जा जमा पाएं। तो नहीं होता है तो करियर काउच जैसे सेंटर्स आपके लिए हमेशा खुले हैं, बार बार प्रोत्साहित करता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ प्रश्न पूछें, हम लोगों को कॉल करें और अपनी जो जानकारियां आप लेना चाहते हैं वो खुल से हम लोगों से आप लीजिए। हम आपको डॉक्टर महिंद्रा जैसे कई एक्सपर्ट से मिलाते हैं और आपके अपने एरिया में हम आपको बता पाते हैं कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे आप आगे बढ़े। ये कंसल्टेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों हर हफ्ते देखना ना भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम टीवी पर हर रविवार रात 9 बजे। दोस्तों जाते जाते एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि करियर काउच की स्पेशल काउंसलिंग सेल आप लोगों के लिए खुली हुई है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एजुकेशन ही नहीं, डोमेस्टिक एजुकेशन के बारे में, यानी आपके राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें बहुत खुशी होगी आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, हम लोग करियर काउंसलिंग को बहुत सीरियसली नहीं लेते। मैं ये प्रोग्राम को सिर्फ प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर एक्सपर्ट काउंसलिंग की दरकार आज देश में सबसे ज्यादा है। इस बात की सीरियसनेस अगर आज आप समझ सके तो शायद आपके माता पिता एक बड़े खर्चे से बच सकते हैं, आप अपना समय बर्बाद करने से बच सकते हैं, और एक बहुत अनिवार्य चीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक गलत करियर का चयन सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि उसमें आपके भाई बंधु कर रहे हैं, यानी आप किसी पीयर प्रेशर में आके या कुछ गलत इन्फ्लुएंस में आके तो कोई एक करियर का डिसीजन नहीं ले रहे। इन सारी बातों को जानने के लिए प्लीज़ हमारे करियर काउंसलर से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन के माध्यम से जरूर मिले, बाकी के डिटेल्स नीचे दी हुई जानकारी में हमेशा उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आज हम आपसे आज्ञा लेते हैं और एक बार फिर से अगले सप्ताह हम आपके पास उपलब्ध होंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।